अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां जिलाधिकारी वंदना के आदेश के बाद अब प्रवर्तन विभाग ने हल्द्वानी और नैनीताल में परिवहन विभाग की ओर से नो पार्किंग जोन चिन्हित किए हैं। बता दें कि चिन्हित नो पार्किंग जोन में दो दिन के अंदर साइन बोर्ड लगाने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही इन नो पार्किंग जोन में खड्डे वाले वाहनों पर चालानी कार्यवाही भी की जाएगी। इसके तहत ही प्रवर्तन अधिकारी नंद किशोर ने बताया कि सड़क हादसों की रोकथाम के लिए प्रवर्तन भाग अब नियमित कार्रवाई करेगा ताकि दुर्घटनाओं पर रोकथाम लगे। उन्होंने बताया कि शहर के निजी स्कूलों की बसें यदि सड़क पर खड़ी हुई हैं तो उनका भी तुरंत चालान काटा जाएगा। सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग लगातार गंभीर है और लगातार जो सड़क सुरक्षा के जो अभियोग हैं उनमें प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। अभी सड़क सुरक्षा के बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पहले भी निर्देश दिए गए थे कि जो नो पार्किंग जोन चिन्हित किए गए हैं हल्द्वानी और नैनीताल में, उनमें लगातार प्रवर्तन कार्रवाई की जाए। तो पर्यटन सीजन के दृष्टिगत सभी दलों को ये निर्देश दिए गए हैं कि नैनीताल में और हल्द्वानी में जो वाहन सड़क किनारे खड़े हैं और नो पार्किंग जोन में खड़े हैं उन पर विशेष कार्रवाई की जाए। आज उनको हमने कल से हमने अभियान लगाया था, आज भी लगातार जारी है। तो ऐसे वाहन जो इन मार्गों पर खड़े पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।